कुछ दिन पहले बसंतराय में आगजनी की घटना हुई थी जिसने भीषण तबाही मचाई थी और इसकी चपेट में 10 दुकान आ गए थे। इसके बाद आज गोड्डा के पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव बसंतराय पहुंचे और लोगों को आश्वासन दिया कि उनको सरकार की तरफ से उचित मुआवजा मुहैया कराया जाएगा। पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव ने कहा कि शरीर से इस स्थिति में खड़ा होना सबसे बड़ी बात है। उन्होंने पीड़ित दुकानदारों को 3,000 रुपये का चेक प्रदान भी किया। पिछले दिनों बसंतराय में सर आग लगी थी जिसके वजह से लगभग 30 से 40 लाख से ज़्यादा की नुकसान एक अंदाजन सर, इसमें आपकी कहां तक सहयोग रहेगी इन दुकानदारों के प्रति? देखिए, सहयोग सबसे बड़ा बात है कि इस दुखद घड़ी में सार्वजनिक और स्वस्थ शरीर उपस्थित होना ही सबसे इम्पोर्टेंट। जी जी। और चूँकि हम माँ के इलाज में एम्स में थे और जैसे हमको पता चला शाम में ही, और बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी दिखाते रहा जलते हुए, हमने अभिलंब अपने लेटर पैड पे लिख करके गोड्डा के डीसी महोदय को दिए और कहे कि भाई चूँकि ये गरीब एरिया और जिस तरह से आग जला है और दुर्गा पूजा का समय, इसको अभिलंब मुआवजा मिलना चाहिए ताकि उसका भरण पोषण हो। छोटा छोटा बच्चा है, किस तरह से समय काट रहा है, ऐसे परिस्थिति में सरकार की भी जवाबदेही है और मेरी भी जवाबदेही है जनप्रतिनिधि के रूप में कि अभिलंब इसके दुख में खड़ा होकर के इसको मुआवजा दिलाना। और सरकार से मांग करते हैं कि जो भी इसका लोन है सबसे पहले लोन माफ हो जाए और जो इसका जला हुआ जो क्षति है जिससे इसका भरण पोषण होता है वो मुआवजा अभिलंब मिले ताकि मेला के समय में इसको कोई कठिनाई ना हो दुकानदारी करने में। ये सारे चीज़ों का हमारा जो है मांग है और हमने अपने तरफ से अभी 3,000 रुपया सबको दिए हैं और कल, चूँकि आज संडे है, सारा बंद है ऑफिस, कल हम डीसी महोदय से मिलेंगे स्पेशल इसी काम के लिए और हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक जो भी मुआवजा है जो बनता है वो इन लोगों को हम दिलाने का काम करेंगे। सर, दमकल का रख रखाव का बात है, ये आप लोग भी जानते हैं कि ये जिला मुख्यालय में रहता है और सारा हैंडल रांची से होता है, लेकिन जहाँ भी इस तरह से कोई भी घटना होता है तुरंत दमकल जैसे रिपोर्ट मिलता है, चाहे थाना से रिपोर्ट जाए या ब्लॉक से रिपोर्ट जाए या आम पब्लिक भी अगर हेडक्वार्टर में फ़ोन करता है तो दमकल अविलंब यहाँ भेजा जाता है। चूँकि दूरी काफ़ी है, रोड भी थोड़ा सा छोटा है, आने में समय लगता है और उस समय तक जो है घटना घट चुकी रहती है, लेकिन ये आप लोगों ने बताए हैं और हम चूँकि ये घना आबादी है, घना आबादी रहने के चलते हम लोगों को इस चीज़ों को मांग करेंगे और कल ही हम अपने लेटर पैड पे माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखूंगा, चीफ सेक्रेटरी को लिखूंगा और खास करके DGP महोदय को भी लिखूंगा। बसंतरा एरिया में एक दमकल की आवश्यकता है क्योंकि हमारा बगल में भी महागामा क्षेत्र है, बड़ी घना क्षेत्र है, ताकि यहाँ से आने जाने में कठिनाई हो। बीच पॉइंट पे रहेगा तो महागामा को भी कवर करेगा और गोड्डा को भी कवर करेगा, पथरगामा को भी कवर करेगा, इसलिए कि इस चीज़ों को हम मुस्तैदी से कल रखेंगे और लेटर भी देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वयं मिल करके इस बिंदु को जैसे भी होगा हम इसको लागू करने का।